नमस्ते सावित्री मंत्र मणि और हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा कि आध्यात्मिक अनुभव प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभव और एक लंबे समय तक मनुष्य को तो विनम्रता होनी चाहिए कि सब प्रारंभिक है <laughs> जब श्री अरविंद वासुदेवम सर्वमिति इत्यादि को भी कह रहे हैं कि ये तो बिगनिंग है <laughs> तो <laughs> और ये बहुत सबसे अच्छी बात ये कि विनम्रता लाता है विनम्रता सेफ्टी है जितने लोगों का माथा गया है योग में या भ्रष्ट जिसको कहा जाता है वो अहंकार अभिमान मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुआ है अरे अगर हुआ भी है तो भगवान की कृपा है आपका कुछ भी नहीं है इसमें क्योंकि उन्होंने कृपावश रिवील किया है और हमारा काम हमको करना चाहिए वो रिवील करने का काम भगवान का है और होगा वो सबके जीवन में लेकिन उत्तर उत्तर होगा ये हम लोगों ने पढ़ा लेकिन वे लोग जो जानते भी नहीं है भगवान को जो जीवन को बस अपना उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं जो अंधकार को पोषित करती है जो व्यसन नाना प्रकार के व्यसन जुआ शराब ना जाने किस किस चीज में धन को व्यय कर रहे हैं जीवन को वेस्ट कर रहे हैं उनका भी कुछ है कुछ होना है जब हम लोग भी बाद में हम लोग देखते ना कि अरे हम अंधकार में सो रहे थे क्या क्या कर रहे थे जीवन कैसे जी रहे थे स्वयं भी अगर आदमी देखे तो देखता है कि जीवन में ठीक है हो सकता है एक ग्रॉस चीज़ें नहीं कर रहे थे ऐसी लेकिन अध, अंधकार तो था ही उसी चीज़ को जिसको हम सर्वोच्च सर्वोत्तम समझ रहे थे वो भी कुछ भी नहीं है इसके सामने जो बाद में उद्घाटन होता है मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बिफोर द डिवाइन इन सम वे टच अवर लाइफ तो उस समय भी लेकिन आश्वासन दे रहे हैं श्री अरविंद कि यात्रा चलती रहती है क्योंकि ये यात्रा हमारे दम पर नहीं चल रही है यात्रा भगवान की श्वास उस श्वास से चल रही है तो आज सुबह भी इसकी बात हो रही थी कि वेव्स जब एक वेव एक तरंग उठती है तो भी आगे जा रही है जब गिरती है तो भी आगे जा रही है और पीछे नहीं जा रही है अद्भुत बात है ये क्योंकि वो पूरी तरंगे अल्टीमेटली वो आगे जा रही हैं लेकिन वो ऊपर अपना मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकेंगी इवन सुनामी बनेगी अगर तो भी वो गिरेंगी क्योंकि अभी वो वो गैदर करके स्ट्रेंथ एक समय आता है जब वो तरंग काफ़ी ऊपर उठती है जब चंद्रमा का उसको दर्शन होता है उससे खिंची हुई ऊपर उठती है लेकिन फिर गिरती है पर चाहे वो छोटी वेव हो या बड़ी वेव हो ऊपर उठे गिरे लेकिन वो बढ़ती जाती है आगे और चूंकि सुबह इसकी बात हुई है तो मैं ऐड कर दूं कि बढ़ती बढ़ती कहाँ जाती है भगवान के चरण पखारने जैसे यमुना नदी में हम देखते हैं ना ये चीज़ जब छोटे से श्री कृष्ण और बाल कृष्ण को लेके नंद बाबा सूप में ऊपर रख के टोकरी में लिए जा रहे हैं तो यमुना नदी बढ़ती चली जा रही है अब वो उनको अब यमुना क्रॉस करना है उनको तो उनको यहाँ तक आ जाती है यमुना नदी तो अब क्या करते हैं टोकरी को थोड़ा और ऊपर उठा देते हैं कि मैं कुछ हो जाए लेकिन टोकरी तो टोकरी में क्यों करते थे वो दिस नौका वाला इसका प्रोसेस होती थी लेकिन फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं श्रीकृष्ण लीला का एक बहुत सुंदर वर्णन है अपने पाँव को नीचे लटका देते हैं बाल कृष्ण और यमुना नदी जब उनके पाँव का स्पर्श पाती हैं तो शांत हो जाती हैं धीरे धीरे और फिर वो चले जाते हैं ये श्री कृष्ण की लीला का वो तो अब ये क्या है यमुना नदी कौन है ये हमारी चंचल प्रकृति है इसको पता नहीं है टोकरी में भगवान महसूस हो रहा है कुछ तो है कुछ है जो मैं आज तक नहीं अनुभव करी हूं तो वो उछल रही है उछल रही हैं उछल रही हैं है। और फिर वो जैसे ही भगवान का स्पर्श पाती है शांत हो जाती है तो वह प्रकृति जो नहीं जानती अनजाने में भी वो ढूंढ उसी को रही है उन्हीं चरणों को और जब चरण को स्पर्श कर लेती है तो क्या बन जाती है वो चरणामृत बन जाती है बड़ा सुंदर इस पर तो पूरा भजन है भजमन राम जी के ऊपर है भजमन राम चरण सुखदाई जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई विष्णु भगवान के रूप में उन चरणों से निकलती है ना फिर शिव धारण इस गंगा एक ऐसी नदी है जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं तीनों का रोल है शिव का नृत्य होता है विष्णु भगवान के उद्गार होते हैं ब्रह्मा जी कमंडलू में रखते हैं बाद में फिर शिव जी उसको धारण करते हैं तो इसी फिर पाताल में भी चली जाती हैं इसी ऑल परवेजिव शंकर जटा समाई और फिर जिन चरणों चरणन केवट धोई लीना केवट लिंगी भगवान अब ये क्या है वो भगवान का स्पर्श पाके वो चरणामृत बन गया है तो एक हम अज्ञान अंधकार में भी भटकते भटकते किसी न किसी रूप में कहीं पहुँच ही जाते हैं भगवान के चरणों पर इसको अमल किरण ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है एक कहानी उनकी अमल किरण कहते हैं मेरी एक आदत थी मैं कहीं भी गिर पड़ता था लेकिन वो गिर पड़ता था किसी भी सुंदर को देख लू सुंदरता को तो मैं आई यूस टू फॉल कहते लेकिन ये मेरे बड़े काम आ गई है क्वालिटी <laughs> क्योंकि एक दिन में डिवाइन मदर के चरणों में गिर गया त्रिपुर सुंदरी है कहते उसके बाद में कहीं नहीं वो ले लिया उन्होंने खत्म हो गया मेरा <laughs> कितने सुंदर ढंग से कि यही कैपेसिटी काम आ गई अब देखिए यमुना का ये जो था रेस्टलेसनेस यही काम आ गई कृष्ण जी का स्पर्श मिल गया तो यहां पर हम लोग पैसेज पढ़ेंगे वही बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज से है पेज फोर्टी सिक्स पर पहला वाला भी फोर्टी सिक्स पर था दूसरा भी अंतिम पांच पंक्तियाँ हैं पहले इसके थोड़ा वर्णन है कि कोई चीज़ है जो हमको बुलाती है हमको पता नहीं चलता है ये यमुना का बुला रही है अचानक वो स्पेट पेट में आ जाती है कोई चीज़ हमारे जीवन को हमारे प्राण को उद्विग्न करती है हमारे प्राण को रेस्टलेस करती है लेकिन बहुत सारे सुख भोग के साधन हैं प्राण जगत ऐसे छोड़ता नहीं है वो कहता है, हाँ इसके लिए तुम रेस्टलेस हो रहे हो ले लो इसको तो हमको लगता है हाँ इसके लिए हम रेस्टलेस थे मिल जाता है थोड़े समय बाद लगता है, नहीं इसके लिए तो नहीं थे कुछ और है फिर कुछ और फिर प्राण कहता है ये वाला रसगुल्ला खा लो फिर आपका वो नहीं नहीं कैसी दास का रसगुल्ला अभी मैं लाऊंगा करते करते अंत में प्राण कहता है ये सब आप <laughs> ये विष <वीश> है <laughs> ये सोने की थाली में विष है मुझे अमृत चाहिए तो ये पहले इसका वर्णन है इसी पैसेज में पहले उसको हम लोग विस्तार में नहीं पढ़ेंगे तो अकेन टू द इनएफेबल सीक्रेसी मिस्टिक इटर्नल इन अनरियलाइज टाइम नेबर्स ऑफ हेवन आर नेचर्स ऑल्टीट्यूड्स ये कैलाश पर्वत को दिखाया ना कि नेचर प्रकृति का उच्चतम शिखर कैलाश अब लोग कहते हैं कैलाश ये नाम पड़ा है बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैलाश पर कहा जाता है कि कोई मनुष्य नहीं चढ़ा है और इस पर मैंने जो रिसर्च की तो मैंने भी यही पाया कि हैज कॉन्कर्ड माउंट कैलाश एवरेस्ट पे चढ़े क्योंकि आप चढ़ नहीं सकते हैं अब ये नहीं कि वहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं इस तरह नहीं पर देखिए उन्होंने नेचर का एक जो पर्वत क्या दिखाते हैं नेचर की हाइएस्ट पॉसिबिलिटी हाइट प्रकृति कहाँ तक जा सकती है ऑलमोस्ट लगता है कि एकदम आकाश को छू रही है नीचे से देखें और वहाँ पे भगवान विद्यमान है लेकिन जमीन पर बैठा व्यक्ति नहीं जानता है तो वो बस एक पिक्चर बना लेता है कैलाशवासी की पूजा करता है ये वो कर सकता है तो यहाँ पर यह है कि मिस्टिक इटर्नल इन अन रियलाइज टाइम नेबर्स ऑफ हेवन आर नेचर्स ऑल्टीट्यूड्स टू दिस हाई पीक डोमिनियन सील टू आवर सर्च टू फार फ्रॉम सरफेस नेचर्स पोस्टल रूट्स टू लॉफ्टी फॉर आवर मॉटर लाइफ्स टू ब्रीद Deep in us, a forgotten kinship points, and a faint voice of ecstasy and prayer calls to those lucent, lost immensities. कोई चीजें हमारे अंदर हो, हम नहीं जानते, जिसके अंदर एक विश्वास, एक प्रार्थना, एक पुण्यभाव, एक अंतरभास की कुछ है। और कभी कभी वो हमारे अंदर एक प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है वो फॉरगॉटन किनशिप हम उन्हीं के उनसे ही संबंधित हैं वही हमारा परिवार है फॉरगॉटन किनशिप तो वो जो हम अपना ही परिवार जैसे कोई परिवार से बिछड़ा ढूंढ रहा होता है हम उनको ढूंढ रहे हैं परिवार की तरह लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आते हैं लेकिन कोई चीज़ हमको कभी ना कभी कभी प्रार्थना के रूप में कभी एक्सटेसी के रूप में जब हम लोग सुनते हैं ना जब शिवस्त्रोत शिव शिव महिमा स्त्रोत या श्री कृष्ण का मधुर मधुराष्टकम या सावित्री से डिवाइन मदर का खैर वो एक अलग चीज़ है तो मैं ना ही कंपेयर करूँ लेकिन जब हम सुनते हैं तो क्या होता है आनंद आता है ना कहीं ना कहीं क्यों आनंदित होता है लगता है हाँ किसी हमारे हाँ वही हैं जिनकी अब ये मधुराष्टकम एक क्षण के लिए कृष्ण जी से हटा दीजिए और आप एक कोई लोकल पॉलिटिशियन के लिए या कोई वर्ल्ड प्रेसिडेंट के लिए गाइए तो बड़ा अजीब लगेगा लगता है कि लगेगा कि सुअर के सिर के ऊपर एक सोने का आपने क्राउन पहना है ना अजीब लगेगा ये वही मधुराष्ट्र है ऐसा लगे है कि आपने हार तो बनाया सोने का उसमें डायमंड भी डाल दिया लेकिन एक स्वाइन को पहना दिया क्यों क्योंकि ये मधुराष्ट्र तो केवल कृष्ण जी पर जाता है शिव महिमा स्त्रोत शिव जी पर ही जाता है ये कृष्ण जी पर ही जाता है जिन चरणन की कृपा वो, वो राम जी पर ही जाता है तो लेकिन कोई चीज ऐसा कनेक्ट करती है कि हृदय के अंदर आनंद भर जाता है किन की बात हो रही है कोई पूछेगा आपने देखा है कृष्ण जी को मधुर मधुर पढ़ लिया नहीं देखा नहीं है तो फिर आप क्यों खुश हो रहे हो हो रहे हैं हम क्या करें एक्सटेसी हो रही है अब ये हम तुमको कैसे समझाएं हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्यों खुश हो रहे हैं हम तुमको कैसे समझाएं कि हमको क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे रोम हर्षण हो रहे हैं तो ये है कि कोई ना कोई चीज हमारे अंदर जुड़ी रहती है और पॉइंट करती है लेकिन ज्यादातर तो हम लोग अपने अंदर नहीं देख पाते अब आती पंक्तियां इवन वेन वी फेल टू लुक इन टू आवर सोल्स भगवान ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग हैं तो प्रार्थना भी नहीं करना जानते हैं वो तो चेहरा मोड़ करके पड़े हुए हैं आपके तरफ ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ के कोई सूरज नहीं है इवन वेन वी फेल टू लुक इन टू आवर सोल्स और लाई एम्बेडेड इन अर्थली कॉन्शियसनेस जड़ तत्व ही सब कुछ है और कुछ नहीं है अब उन्हीं के लिए देखिए जड़ तत्व तो में रिविलेशन सुपरमेंटल भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा है <laughs> कि चलो ठीक है मैं आके एक दिन इसको भी तुमको लंबा पीरियड लगेगा लेकिन अंत में मैं तुमको भी रिवील तो करूँगा ये तुम्हारी भी बात सही है जड़ तत्व तो में भी प्रकट होना चाहिए लास्ट टाइम ट्राई किया था भगवान ने जड़ तत्व तो में प्रकट करने का तो सारे आहाकार हो गया था वो स्टोरी ना अरुण की प्रहलाद की वो जड़ तत्व से ही निकले ना लेकिन जिस रूप में निकले जिस प्रचंड तेज के साथ तो पूरी दशो दिशाएं लगी, देवता लोग डर के मारे भागने लगे अपना अपना काम छोड़ के और केवल प्रहलाद खड़े होके देख रहे हैं विस्मय से तो फिर वो प्रहलाद को बुलाते हैं प्रहलाद उनके जब गोद में जाते हैं और स्तुति करते हैं तब वो शांत होते हैं क्योंकि वो जड़ तत्व तो से चीर वो तो खंभा तो चला गया लेकिन वो नहीं चाहते हो चाहते मॉडिफाई हो ये पिलर जो है ना शरीर ये ऐसा मॉडिफाई हो कि ये सच में देवालय जो है अंदर में वो दिखने लगे ऐसा बन जाए तो अंधकार में भी जब हम एकदम जड़ तत्व के अंदर धसे हुए हैं कीचड़ में स्टिल हैव बी पार्ट्स दैट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट आप ट्रेन में बैठ गए आपने टिकट ले लिया नहीं भी लिया <laughs> <laughs> बैठ गए कोई कोने में अब आप सो गए या जागे हैं गाड़ी तो आपको ले जा रही है आगे बस आपको यह पता होना चाहिए सही टिकट ले लो तो ये जीवन की जो गाड़ी है ये ऐसी गाड़ी है जिसके फाइनल कंडक्टर ड्राइवर गार्ड सब भगवान है आप सो गए आपको पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही है आसपास पूछ रहे भैया गाड़ी कहाँ जा रही है हमको नहीं पता आपके से आप हम भी बैठ गए अच्छा तुम बताओ कहाँ हमको ही नहीं पता हम बैठ गए अरे कोई तो बता अरे भाई गाड़ी की चिंता क्यों कर रहे हो कहाँ जा रही चलो ताश पत्ती खेलते हैं यही करते हैं ना लोग करते हुए आ जाएगा जब स्टेशन आना है कब आएगा हमको नहीं मालूम आ जाएगा जब आना है कल आएगा परसों आ पहले तो कितने कितने दिन चल के आता था फिर आपको हमको पता नहीं है लेकिन ड्राइवर कंडक्टर टिकट ट्रेन टिकट एग्जामिनर और गार्ड दे विल इन्श्योर कि आप पहुंच जाएंगे रादर गार्ड एंड ड्राइवर जो टिकट चेकर है वो तो हम लोग का एग्जामिनेशन लेता है लेकिन अगर आप भगवान उनको भी जैसे गार्ड और ड्राइवर ना भैया हमारा आदमी है होता था ना भारतवर्ष में ये गार्ड साहब का उनका है इनको जाने दो तो भगवान किसी किसी को टिकट चेकर को बोलते हैं इसका टिकट मत देखना हम इसका टिकट ले लिए हैं पहले से इसको पास है ये भी होता है <laughs> आपको पता नहीं क्यों भगवान ने आपके लिए पास अरेंज कर दिया <laughs> लेकिन वो जा रही है, गाड़ी गाड़ी जा रही है आप सो गए हैं लेकिन फिर भी जा रही है तो यहां पर वही है कि यात्रा स्टिल हैवी पार्ट देट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट अंधकार में भी हम सो जाते हैं सुबह तो होगी होगी ऐसा तो होगा नहीं आंखें बंद है तो सूरज नहीं निकलेगा येट आर देयर ल्यूमिनस ट्रैक्ट्स एंड हैवन सरीन ये रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने रेल की यात्रा पहले की है मैंने बहुत की है तो आप सो गए सुबह में उठे इतना चेंज हो गया लैंडस्केप सुंदर पुना ऊना के एरिया में लोनावला आता था फिर वो महाराष्ट्र में जब हम आते थे एफ एम सी पुना के लिए जब हमें जाते लंबी यात्रा पहले गाँव से कलकत्ता कलकत्ता से ट्रेन लेते थे तो शुरू में तो वही सब मच्छी बाजार और नॉर्मल वो गर्मी उर्मी फिर धीरे धीरे अब महाराष्ट्र नागपुर क्रॉस करते थे नागपुर तक गर्मी संतरे आपने थोड़े ले लिया अब थोड़े समय के बाद वो जो सुरंग आती थी वो क्या मज़ा आता था फिर और उसके बाद में हरा भरा देन यू एन्जॉय दैट जर्नी ऐसे ऐसे ट्रैक्ट्स हैं जो आपको वहाँ पता नहीं है ऐसी यात्रा में बहुत सुंदर चीज़ें भी हैं केवल ऐसा नहीं कि केवल भयानक दृश्य हैं लेकिन ट्रेन में बैठा रहना है भयानक दृश्य देख के कुछ जाएंगे तो सुंदर वाला जगह नहीं आएगी येट आर देयर लूनस एंड एंड एल्डोरेडोजर एल्डोरेडोज ये साउथ अमेरिका के बड़े इस पर पिक्चरें बनी है गोल्ड माइंस ये सब साउथ तो अमेरिका एक समय ये सब। इनका इनका रिच सिविलाइजेशन था तो एल्डोरेडो अब एक जेनरिक वर्ड हो गया है कहीं भी बड़ा रिच सिटी अभी हाल में मुझे पता चला एक केरला में भी थी वॉश आउट हो गई ओवर नाइट फ्लडेड एंड फिनिश पूरा ट्रेस के बिना वहाँ रोमन एम्पायर भी आते थे ट्रेड करने के लिए अरब्स भी आते थे बहुत रिच वैभवशाली यहाँ की वहाँ के पोइट्स निकाम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नगर में रहते हैं जहाँ स्वर्ण की भी वर्षा होती सब चीज़ क्यों आते थे ब्लैक काला मिर्ची लेने के काला नमक लेने के लिए काली मिर्ची वो एक समय रोम में उसका मूल्य सोने के समान था हर चीज में डालते थे काला मिर्ची वो केवल भारतवर्ष में मिलती थी तो केरला आते थे सोना देते थे और काला मिर्ची लेके जाते थे और फिर भाग्य की पलटी ना रोमन एम्पायर रहा ना केरला का वो देश रहा तो देखिए कैसे होती है हिस्ट्री कैसे चेंज होती है तो ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां कितने रिचेस पड़े हुए हैं जिनको हम नहीं जानते जिनको हमने देखा नहीं अब यहां शेरविंद इसको अंदर की यात्रा से जोड़ हैं हम लोग तो बाहर के सुख दुख में ही फंसे हुए हैं अरे ये सुख मिल गया बड़ा अच्छा भगवान का बहुत कृपा है अरे ये दुख आ गया भगवान हमको भूल गए लेकिन कितने ऐसे ट्रैक्ट हैं जिनके अंदर हम चले जाएं तो आनंद आनंद महसूस होगा शांति स्थापित हो जाएगी तो यहां उसका वर्णन है एंड टेम्पल्स टू द गॉड सी इसीलिए सारे मंदिर बहुत सारे मंदिर सारे नहीं पर्वतों के ऊपर और मंगोल वगैरह इसमें तो करते थे जाना भी मुश्किल अब तो हम लोगों ने शॉर्टकट बना दिया सब लेकिन पहले आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा करनी है तो ये सब नहीं कि गाड़ी अभी तो बद्रीनाथ में तो ऊपर तक चली जाती है केदारनाथ भी शायद अब मोटरेबिल रोड हो गई है लेकिन पहले क्या था आप एक स्थान के बाद कंडी लेके जाओ या पैदल चल के जाओ या पोनी पर बैठ के जाओ कठिन मार्ग होता था तो नहीं अच्छा है बन गई है वो लेकिन एक संकेत है वो शायद इसी का संकेत है कि अब अंदर वाली यात्रा भी सरल हो गई है हाईवेज बन गए हैं पर वो मार्ग बंद थे ये मार्गों को खोला है माषि अरविंद ने कहते हैं एक जगह कि मैं कई सारे बंद अवरुद्ध मार्गों को खोल रहा हूं अब कौन से अवरुद्ध मार्ग होंगे पता भी नहीं होगा किसने कब कहीं किस रास्ते से चल के भगवान को देखा हर किसी ने थोड़ी लिखा है वेदों की तरह एक डॉक्यूमेंट दे दिया नहीं देखा लेकिन वो अपने मार्ग से चल के उसने प्राप्त किया फिर वो मार्ग बंद हो गया कोई नहीं चला उस पर वो सारे मार्ग श्री अरविंद माता जी ने खोले हैं जिसमें जरा भी संभावना है शेपलेस मेमरी लिंगर्स इन अ स्टिल एंड समाइम्स वेन अवर साइट इज टर्न विद इन अर्थ इग्नोरेंट वेल इज लिफ्टेड फ्रॉम अवर आईज देर इज अ शॉर्ट मेरेक्यूल एस्केप कोई स्मृति के रूप में कोई प्रमाण नहीं है कृष्ण जी थे कि नहीं थे लेकिन कहीं ना कहीं ये स्मृति कौन सी स्मृति है ये मन नहीं मन को याद नहीं है हृदय भूल गया है प्राण को याद नहीं लेकिन अंदर में कोई बैठा हुआ है चैत्य सत्ता वो कहीं ना कहीं कृष्ण है शेपलेस मेमोरी कैसे दिखते थे नहीं मालूम किस कलर की धोती पहनते थे लोग कहते हैं पीताम्बर लेकिन हमको नहीं मालूम बासुरी कैसी बस्ती थी नहीं मालूम वाली बासुरी नहीं सुनी फिर कैसे जानते हो कोई चीज है जो जानती है शेपलेस मेमोरी और कभी कभी जो वेल है जिसके कारण हम देख नहीं पाते वो कुछ क्षणों के लिए हटता है और अचानक हमारी दृष्टि या हमारे जीवन में भगवान का उद्घाटन होता है ये उद्घाटन इज नॉट ने विजन कि भगवान प्रकट हो गए उद्घाटन किसी ना किसी रूप में ये कि हाँ कोई टच है कुछ उद्घाटन होता है कभी कभी और अंतिम तीन लाइन दिस फ्रिंज ऑफ क्लैम्ड एक्सपीरियंस वी लीव बिहाइंड मेटेड टू अस एज लाइफ आवर लिटिल वॉक्स आवर इनसफिशिएंट रीच क्रैम एक्सपीरियंस सुबह से शाम तक भीड़ भाड़ ये सब में घूम रहा आदमी ये हुआ वो हुआ बहुत सारी चीज़ें हुई अगर सुबह से शाम तक देखें क्लैम्प्ड लेकिन वो सीमाओं में बद्ध अचानक एक क्षण एक चैत्य अनुभव होता है और माँ कहती वही रियल चीज़ है और वो कब होगा कुछ पता नहीं हो सकता है भीड़ से जा रहे हैं और अचानक आप ये भीड़ को देखते देखते कोई दूसरे अवस्था में प्रवेश कर गए वापस आए तो मुस्कुरा रहे हैं कोई पूछेगा क्यों मुस्कुरा रहे हो तो आप बताओगे तो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे नहीं बताओगे तो भी जाओगे क्योंकि वो तो समझ गया है कारण मुस्कुरा रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ <laughs> लेकिन कुछ आपने कहीं टच महसूस किया है अनुभव महसूस किया है तो कहते हैं कि कभी कभी ये होता है और चार पांच लाइन पढ़ लेते हैं कैन विजिट इन ग्रेट लोनली आवर्स स्टिल रीजन्स ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट लोनली आवर्स जो अकेला रहने के लिए तैयार नहीं है वो भगवान के लिए तैयार नहीं है माने स्पष्ट रूप से कहा है कि इफ यू आर ए लोन इट मींस यू आर रेडी नाउ फॉर द डिवाइन अब ये अकेला का मतलब ये नहीं कि आप संसार है सब है लेकिन आप ये नहीं कि उनको अरे ये मेरे पप चिपक नहीं रहो संसार तो रहे किसी ना किसी रूप में रहेगा आप डिपार्टमेंट में काम करोगे आपके मित्र होंगे लेकिन सबके बीच में आप किसी से चिपक के ये मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए उससे नहीं आपके अंदर एक जो अकेला इस ए ब्यूटिफुल वर्ड वो जो अकेला है वो अकेलेपन से घबराता नहीं है वो एकाकी होने से डरता नहीं है खुश होता है क्योंकि उसमें वो भगवान से जुड़ सकता है हमारी सोल ये अगर इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन है तो वो इम्पेरिशेबल लाइट का दर्शन होता है विजिट करती है दर्शन नहीं कह रहे हैं विजिट आपको लगता है कुछ अंदर में ऑल सींग ईगल पीक्स ऑफ साइलेंट पावर केवल प्रकाश नहीं इवन वो शक्ति साइलेंट पावर शक्ति ऐसी नहीं जो प्राण को रेस्टलेस करती है साइलेंट पावर आपको पता है ये कन्विक्शन होता है कि ये शक्ति सर्व विद्यमान है सर्वशक्तिमान है ये कुछ भी कर सकती है लेकिन प्राण क्या करता है रेस्टलेस वाली वो वाइटल शक्ति है उसकी बात नहीं हो रही है साइलेंट पावर एंड मून फ्लेम ओशियंस ऑफ स्विफ्ट फैदमलेस प्लेस ज्ञान शांति शक्ति आनंद इसका अनुभव आता है चंद्रमा सोम से कनेक्टेड है ना चंद्रमा मून फ्लेम चंद्रमा को देख के पूर्णमासी का चांद होता है ना तो जैसे जॉय एक होता है तो वैसा ही अंदर में एक आनंद वो आनंद जिसकी आप गहराई तक भी नहीं जा सकते हैं एंड काम इमेंसिटीज ऑफ स्पिरिट स्पेस तो ये अनुभव कैसे आते हैं इस प्रकार से आते हैं स्टिल रीजन ऑफ इम्परिशेबल लाइट ऑल सीगल पीक्स ऑफ साइलेंट पावर शक्ति लेकिन जो जिसके अंदर ज्ञान भी है ऑल सीन जो सब कुछ देख रही है एक इंट्यूटिव पावर ऑफ द इंट्यूशन इंट्यूटिव माइंड जो ये जानता भी है कि ऐसा होगा उसके साथ में एक आनंद और उसके साथ में एक शांति ये सारे जो टचेज आते हैं हमको ये भगवान का द्वार थोड़ी देर के लिए खुला है और बहुत कुछ होता है इसके बारे में श्री अरविंद हमको बताते हैं विच वी विल टेक अप next time ma